प्यारे साथियों, देखो ये सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने, ये कह रहा है कि एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड। मतलब कहने का ये है कि भाई कुछ सर्कुलर पाथ है, मतलब कहने का ये है एक सर्कल बनाए थे कुछ प्रकार से सुंदर सा सर्कल। अब इसकी जो डायमीटर हमें दी हुई है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है उसको हम बोलेंगे डायमीटर। इसको हम डी से डिनोट कर लेते हैं, जो कि है हमारी 200 मीटर। कितनी है भैया? 200 मीटर है। अब वो आपसे कह रहा है कि वो एक राउंड कंप्लीट करता है इन 40 सेकंड, यानी कि एक राउंड वो 40 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। जनरल नॉलेज के लिए इसको लिख लेते हैं, पर राउंड इन 40 सेकंड। चलिए भाई, ये हमने अपने जनरल नॉलेज के लिए लिख लिया है। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट बताओ भैया। देखो इतने टाइम में उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी है और इतने टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था वो बताना है आपको। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं भाई। चलो आप मुझे बताओ, मान लेते हैं कि भैया ये उसका इनिशियल पॉइंट है। हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो है, ये वो यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है। वो यहाँ से चलना शुरू करता है ऐसे। अब यहाँ से चल के जाएगा, ऐसे चल के जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से आएगा और यहाँ पर वापस आ जाएगा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये इसका एक वन राउंड माना जाएगा। और जब वो अपनी फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को सेम बना लेगा, तो भैया वहाँ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, वो आगे की बात है। लेकिन अभी समझिए, एक चक्कर में वो कितनी डिस्टेंस चलेगा वो बताओ मुझे। वो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस चलेगा? 2πr, क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल ही डिस्टेंस चलेगा वो, ठीक है। तो डिस्टेंस इन वन राउंड लिख देना पड़े डिस्टेंस। देखो ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड जो कि होगी आपकी 2πr, ठीक है। 2πr एक राउंड में 2πr कवर करेगा। चलो अब आपसे क्या कह रहा है कि वो इतने मिनट भागेगा, इतने मिनट इतने सेकंड। भाई 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या है? भाई 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब है भैया 2 मिनट में 120 सेकंड पूरे पूरे और 20 सेकंड ये, यानी कि 140 सेकंड की बातचीत है, ठीक है। अब 140 सेकंड कैसे कंप्लीट करेगा? देखो पहले, क्योंकि 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, तो इसे 40 में से पहले 40 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट करेगा। तो देखो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, समझना मेरी बात। अब देखो पहले राउंड में तो उसको मैं डिस्टेंस को किससे डिनोट करूँ? डायमीटर को तो इससे डिनोट कर लिया हमने। डिस्टेंस को मान लेते हैं हम, डिस्टेंस ले देता हूँ, चलो छोड़ो। पहला मैं जो टाइम फ्रेम ले रहा हूँ वो पहला 40 सेकंड ले रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम T1 में समझो मैं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2πr, ठीक है। और ये T1 कितना है सर? 40 सेकंड। हर T1 की वैल्यू 40 सेकंड है, हर T की वैल्यू। अब अगला टाइम T2 लिया मैंने, उसकी भी वैल्यू 40 सेकंड है। फिर 40 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, फिर वो एक राउंड कंप्लीट करेगा इन 2πr, डिस्टेंस चलेगा अगेन। फिर वो T3 ले लिया हमने, वो भी 40 सेकंड है, अगेन वो पूरा राउंड 40 सेकंड में कवर करेगा, ठीक है। तो अगेन वो 2πr, डिस्टेंस चलेगा। अब देखो कितनी सेकंड हो गई सर? 40 सेकंड यहाँ पर हो गई, प्लस 40 सेकंड यहाँ पर हो गई, प्लस 40 सेकंड यहाँ पर हो गई, तो कितनी सेकंड हो गई? ये टोटल हो गई 120। अभी 140 में से कितनी बची हैं? 20 बची हैं केवल। तो अगेन वो जो T4 टाइम जब हम लेंगे तो वो केवल 20 सेकंड का ही है, तो वहाँ पर वो कितनी डिस्टेंस चलेगा भाई? यहाँ से चलेगा और केवल यहाँ तक जा पाएगा, यहाँ से केवल यहाँ तक जा पाएगा सर, इस पॉइंट तक जा पाएगा केवल। सो ये तो आधा सर्कल चला है, सेमी सर्कल तक ही डिस्टेंस चला, तो उसकी पैरामीटर क्या होती है? इसकी पैरामीटर क्या होगी यहाँ से यहाँ तक की? भाई आधी हो जाएगी इसकी, यानी सीधी पाई आर हो जाएगी, सीधी पाई आर, ठीक है। तो हमारे देखिए ये किसी काम का नहीं है, तो हमने सिर्फ लिखा है समझने के लिए। इस सब को जोड़ेंगे तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस है जो उसने कवर की है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये सब टोटल डिस्टेंस है, कितनी होगी? 2πr, 4πr, 6πr और 7πr, यानी कि 7πr उसकी टोटल डिस्टेंस है। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 × 22/7, ठीक है। मल्टीप्लाई में r की वैल्यू क्या होगी भाई? r की वैल्यू आपको पता है कि डायमीटर अगर 200 है तो r इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 100, तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, मैं लिख दो यहाँ पर। यहाँ से आप निकाल लेते हैं, r की वैल्यू होगी डायमीटर बाय 2, विच इज़ इक्वल्स टू 200/2, यानी कि 100 आपका आ जाएगा मीटर में, 100 मीटर, ठीक है। चलो तो यहाँ से कट पिट के क्या आ जाएगा भाई? देखो 7 से 7 कट रहा है यहाँ पर, और 22 की मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधे 100 में, तो यहाँ से आएगा 2200 मीटर, ठीक है। ये इतनी उसने डिस्टेंस कवर करी है। अब ये तो चलो डिस्टेंस हो गई सर,
अब हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखो जब उसने पहला चक्कर लगाया, पहले टाइम फ्रेम में चक्कर लगाया 2πr, पहला चक्कर लगाया, तो आपको पता है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन से गया इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गया, तो मतलब जहां हमारा इनिशियल पॉइंट ही फाइनल पॉइंट बन जाए तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी कि पहले राउंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो। देखिए इस S1 में आपका जीरो हो जाएगा S1, तो इस टाइम फ्रेम में, फिर दूसरे वाले में भी आपका S2 क्या हो जाएगा, वो भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। और ऐसे ही हमारा S3 क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में तो 40-40 सेकंड में जा रहा है, कंप्लीट कर रहा है राउंड को। लेकिन अगला जो आपका S4 आएगा, ये जो आपका S4 हम ले रहे हैं, इसमें वो 20 सेकंड ही केवल भगेगा। तो 20 सेकंड भगा तो बस यहीं तक जा पाया, यहीं तक जा पाया, और आपको पता है यहाँ से वो ऐसे गया तो डिस्प्लेसमेंट तो इसकी बीच शॉर्टर डिस्टेंस होगी। ये अब इसका फाइनल इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। अब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस या शॉर्टर डिस्टेंस क्या है, डायमीटर ही दिख रही है आपको, यानी कि यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो आ जाएगा सर 200 मीटर। मतलब इन सभी को जोड़ दो, ठीक है, इन सभी को जोड़ दो, ओवरऑल हमारा वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, विच मीन्स हमारा जो एक डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। चलो समझने के लिए हमने केवल ये सब चीज़ लिखी है, फिर ये भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, केवल यहाँ पर आपका 200 आएगा, सो यहाँ से हमारा जाएगा 200 मीटर। इतना कुछ वैसे करने की जरूरत नहीं है हमको, सीधे सीधा देखो समझने वाला सवाल है, अगर सीधे भी आप लिख दोगे ना S4 200 मीटर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा S 200 मीटर सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमने समझने के लिए ये चीज़ को करा है कि कैसे तोड़ा है हमने सवाल को, भाई 40-40 सेकंड में तोड़ लिया हमने, 40-40 सेकंड के टाइम फ्रेम में हमने डिस्टेंस भी देखा और 40 सेकंड के टाइम फ्रेम में हमने डिस्प्लेसमेंट भी देखा। देखो डिस्टेंस तो चलेगा वो 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा 40 सेकंड में, ठीक है। अगले 40 सेकंड में भी डिस्टेंस 2πr चलेगा मगर डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, उससे अगले 40 सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा और डिस्टेंस चलेगा 2πr, लेकिन जो अगला जो 20 सेकंड बचा है लास्ट वाला उसमें वो केवल πr डिस्टेंस चलेगा और आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ पर 200 हो जाएगा, क्योंकि वो बीच की शॉर्टर डिस्टेंस है। चलो इसमें थोड़ा टाइम लग गया सवाल में, पर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भैया आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। फिर भी अगर कोई पॉइंट है, कोई छूट गया, रह गया, कुछ भी समझ लो तो भैया कमेंट कर देना, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है दूसरा, ठीक है। मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।